वहाँ तक गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझसे अश्लील और इतनी गंदी बात की सर कि मैं कई बार मतलब मैं खुद भी सोच रही हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता था। तो उस समय सिर्फ मैंने यही क्यों कहा कि मैं आपके बिस्तर पर गन के साथ आऊँ या रिवॉल्वर के साथ आऊँ, मैंने उनको कुछ और क्यों नहीं कहा। आप बहुत सुंदर हो, मुझे आप जैसी शेरनी बिस्तर पर चाहिए। मुसलमान औरतें गन नहीं लेबर पेन लेने के लिए होती हैं। ये कहना है यूपी के शिक्षा विभाग के सीएमओ का। ये आरोप हम नहीं बल्कि निलंबित होने वाली महिला टीचर ने लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला रामपुर के किशनपुर अटरिया प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल की महिला टीचर के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल 11 अगस्त को सीएमओ की मौखिक शिकायत के बाद प्राथमिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब निलंबन के बाद स्कूल के दूसरी ओर ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों ने डीएम एसपी का घेराव कर टीचर का निलंबन वापस लेने की मांग की है। वहीं महिला टीचर ने भी निलंबन की पूरी कहानी बताते हुए सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर मैटर कुछ नहीं था, मैटर था 11 जुलाई का। 11 जुलाई में सीएमओ सर किशनपुर अटरिया के प्रांगण में आंगनवाड़ी है, तो वो आंगनवाड़ी चेक करने के लिए आए। उनका ना तो मेरे स्कूल पर कोई ऑफलाइन भ्रमण था, ना ही ऑनलाइन, और ना ही मेरे किसी रजिस्टर पर उनके साइन है। लेकिन एक मेरा अपना व्यवहार है कि उच्च अधिकारी आते हैं तो मुझे उनके सम्मान में बोलना पड़ता है कि भाई आइए सर ऑफिस में बैठिए, पानी चाय। वैसे ही मैंने नमस्ते कर बात की। उन्होंने पूछा आप कौन है, मैंने कहा सर मैं यहाँ की हेड हूँ, इंचार्ज अध्यापिका हूँ। बोले ठीक है। फिर उन्होंने कम से कम 10 मिनट तक तो पहले मेरी आंगनबाड़ी को बहुत टाइट किया, डांट दिया। पूनम तुरहिया मैडम है उनका नाम। फिर उसके बाद वो आयशा है एक रजनी मैम, तो रजनी मैम वाइफ ऑफ श्री रंजीत सिंह, तो उन्होंने उनके साथ भी बहुत अभद्र करा। तो सर मेरे ऊपर आरोप यह है मैंने अमर्यादित शब्द बोले, जबकि उन्होंने उस समय बोला अच्छा बहुत नेता बन रही हो सबकी, चलो। फिर वो ऐसे मेरे क्लासेस में चले गए, बच्चों ने बिल्कुल सटीक जवाब किए और बच्चों ने बहुत ठीक और सही उत्तर दिए सर। क्योंकि सर आप एक टीचर को देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक राष्ट्र निर्माता जो कि मेरे हाथ में बच्चों का भविष्य है, मेरी गोद से बच्चे निकल रहे हैं, 13 साल से एक ही स्कूल पर मैं तैनात हूँ, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जिनका आश्रम पद्धति में भी सिलेक्शन हो रहा है, जो इस टाइम एक प्रॉपर अच्छी जॉब में है 13 साल के, तो इतना तो बनता है कि मेरे बच्चे भी मेरा फेवर करें। तो बच्चे बोले कि अरे सर आप मैडम से कैसे बात कर रहे हैं। बोले अच्छा चलिए अपना स्कूल का भ्रमण दिखाइएगा, भ्रमण कराइए। फिर मैंने ऐसी स्कूल की बिल्डिंग दिखाई, बोले बहुत अच्छा पैसा लगा दिया आपने काफ़ी, और ये दिव्यांग शौचालय क्यों, कमोड क्यों लगवाई। मैंने कहा सर कमोड में बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उनको भी फेस करने के लिए, वो भी यूज़ करते हैं, और मैं भी थोड़ी मोटी हूँ, मैं भी यूज़ कर लेती हूँ कमोड। तो मुझे बोले आप कहाँ मोटी हो, आप तो खाते पीते घर की हो, इतनी सुंदर हो। तो सर थोड़ा मुझे अजीब लगा, लेकिन उनकी एज मेरे डैडी के बराबर है, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं समझी उनको। लेकिन उन्होंने जब मुझसे 2-4 बार इंसिस्ट किया कि फ़ोटो खिंचवा तो लो, फोटो तो खिंचवाओ, तो देखिए सिक्स सेंस डेवलप्ड होता है लेडीज़ का, उन्हें आइडिया हो जाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन एट द स्टेप। तो मुझे मालूम हो गया, मैंने अपने सहायक टीचर्स असिस्टेंट टीचर्स को बुलाया, उन लोगों को खड़ा किया, और फिर मैं लास्ट में कॉर्नर पर आके खड़ी हो गई। इसके बाद भी उनको मंशा उनका ठीक ठाक नहीं था, वो बोले अच्छा चलिए उस साइड कॉर्नर में चलते हैं, क्लासेस बढ़े आपके खाली पड़े। वहाँ तक गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझसे अश्लील और इतनी गंदी बात की सर कि मैं कई बार मतलब मैं खुद भी सोच रही हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता था। तो उस समय सिर्फ मैंने यही क्यों कहा कि मैं आपके बिस्तर पर गन के साथ आऊँ या रिवॉल्वर के साथ आऊँ, मैंने उनको कुछ और क्यों नहीं कहा। वही शिक्षकों और ग्रामीणों के आरोप के बाद अब शिक्षा विभाग के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीएमओ का बचाव करते दिखाई दिए। सीएमओ साहब 11 जुलाई को विद्यालय आपका प्राथमिक विद्यालय किशनपुर नगर क्षेत्र रामपुर में पड़ता है, उसमें निरीक्षण के लिए गए थे। तो 11 तारीख के निरीक्षण के बाद 25 जुलाई को हमारी मीटिंग थी विभागीय मीटिंग में सीएमओ साहब ने ये बताया था हम सभी को, पूरी मीटिंग में डीएम साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, और भी लोग थे, सारे अधिकारी थे जिला स्तरीय। मैं ये प्राथमिक विद्यालय किशनपुर अटरिया में गया था, मैंने जाकर के निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मैंने पूछा प्रधानाध्यापक कौन, तो वहाँ की जो हेडमास्टर थी जिनका नाम असमा परवीन बताया गया है, बोले हाँ बताइए मैं हूँ यहाँ की हेडमास्टर, और कुछ कहना है। नहीं मैम कह रहा हूँ, नहीं मैं हथियार मेरे पास लाइसेंसी हथियार है, मैं हथियार रखती हूँ और मैं किसी गुंडे से डरती नहीं। उसके बाद सीएमओ साहब ने कहा कि मैम सारे बच्चे आपके निपुण हो गए, तो असमा परवीन थी वहाँ की इंचार्ज हेड,
उन्होंने कहा सारे गधे घोड़े नहीं हो सकते। उसके बाद जब ये चीज मीटिंग में बताई तो कि टीचर के पद की गरिमा होती है और टीचर के पद की गरिमा के विपरीत कार्य उन्होंने किया है, तो उनको एक नोटिस पहले, क्योंकि रिटर्न में तो सीएमओ साहब ने हमको नहीं दिया था, तो एक नोटिस हम लोगों को जारी किया है 6 अगस्त को, आपके द्वारा इस तरह से सीएमओ साहब के निरीक्षण के समय कहा गया है, आपके संबंध में 3 दिवस के अंदर पुनः स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। स्कूल के टीचर और बच्चे और ग्रामीण जहां महिला टीचर के समर्थन में उतर आए हैं, वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी सीएमओ साहब का बचाव कर रहे हैं। सीएमओ साहब का आरोप है कि महिला टीचर ने बंदूक रखने की बात कही थी, जबकि महिला टीचर का आरोप है कि निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने बदसुलूकी की थी और बिस्तर पर बुलाया था। सीएमओ का ऑफर ठुकराने पर निलंबित कर दिया गया। बहरहाल अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।